फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम गर्भवती महिला, धात्री महिला, इन्फेंट, शिशु, बॉयज एंड गर्ल्स की न्यूट्रिटिव वैल्यू जानेंगे। गर्भवती महिलाओं की दैनिक पोषक तत्वों की आवश्यकता। बॉडी वेट, अगर गर्भवती महिला का बॉडी वेट 50 केजी है, उसकी अगर वो सेडेंट्री वर्कर है तो सेडेंट्री वर्कर के अकॉर्डिंग उसकी कैलोरीज, मॉडरेट है तो मॉडरेट वर्कर के अकॉर्डिंग, और हैवी वर्कर है तो हैवी वर्कर के अकॉर्डिंग उसमें प्लस 350 किलो कैलोरी ऐड कर देते हैं। सेडेंट्री की रिक्वायरमेंट कितनी थी एनर्जी की, 1900 प्लस 350 कर देंगे। मॉडरेट वर्कर की रिक्वायरमेंट 2230 थी, उसमें 350 ऐड कर देंगे, और हैवी वर्कर की 2850 थी, उसमें भी हम 350 ऐड कर देंगे। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 78 ग्राम पर डे। फैट 30 ग्राम पर डे। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 1200 मिलीग्राम पर डे। आयरन 35 मिलीग्राम पर डे। मैग्नीशियम 310 मिलीग्राम पर डे। जिंक 12 मिलीग्राम पर डे। डायट्री फोलेट 500 माइक्रोग्राम पर डे। विटामिन ए में रेटिनॉल 80 IU और बीटा कैरोटीनॉइड 6400। विटामिन ए की जो यूनिट होती है वो IU होती है, इंटरनेशनल यूनिट। थायमिन अकॉर्डिंग टू वर्क, लाइक सेडेंट्री वर्कर है तो सेडेंट्री वर्कर के अकॉर्डिंग, मॉडरेट है तो मॉडरेट वर्कर के अकॉर्डिंग, और हैवी वर्कर है तो हैवी वर्कर के अकॉर्डिंग प्लस 0.2 मिलीग्राम पर डे कर देंगे। राइबोफ्लेविन भी अकॉर्डिंग टू वर्क प्लस 0.3 मिलीग्राम पर डे। नियासिन का भी सेम ही करना है, अकॉर्डिंग टू वर्क प्लस 2 मिलीग्राम पर डे। पाइरिडॉक्सिन 2.5 मिलीग्राम पर डे। विटामिन बी 12 1.2 माइक्रोग्राम पर डे। एस्कॉर्बिक एसिड 60 मिलीग्राम पर डे। नेक्स्ट है धात्री माताओं की दैनिक पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा। बॉडी वेट 55 केजी, इसमें 0 से 6 मंथ की को फीड कराने वाली धात्री और 6 से 12 मंथ बेबी को फीड कराने वाली धात्री की अलग अलग न्यूट्रिटिव वैल्यू है। नेट एनर्जी कितनी होगी, अकॉर्डिंग टू वर्क प्लस 600 हो जाएगी, और 6 से 12 मंथ में क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू वर्क प्लस 520 किलो कैलोरी। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 74 ग्राम 0 से 6 मंथ की धात्री की, और 6 से 12 मंथ में थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि उस टाइम पे बच्चा विनिंग फूड लेने लगता है, इसलिए 68 ग्राम पर डे। फैट की रिक्वायरमेंट दोनों की सेम रहती है, 0 से 6 मंथ की भी और 6 से 12 मंथ में भी की भी। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी सेम ही होती है दोनों की, 1200 मिलीग्राम पर डे। आयरन 25, दोनों का 25 होते हैं, 0 से 6 मंथ में भी की धात्री का भी और 6 से 12 मंथ की धात्री का भी सेम आयरन होता है 25। मैग्नीशियम प्रेग्नेंट लेडी, धात्री, 0 से 6, 6 से 12 मंथ, तीनों का सेम होता है, 310 मिलीग्राम पर डे। जिंक भी तीनों का सेम ही होता है, 12 मिलीग्राम पर डे, धात्री का भी और प्रेग्नेंट लेडी का भी। डाइट्री फोलेट 300 माइक्रोग्राम पर डे। प्रेग्नेंट लेडी को डाइट्री फोलेट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उसका 500 होता है, और जो लैक्टेशन वुमेन होती है उसका कम हो जाता है, 300 माइक्रोग्राम हो जाता है। लेकिन 0 से 6 और 6 से 12 मंथ दोनों ही कंडीशन में डाइट्री फोलेट की रिक्वायरमेंट सेम रहती है, 300 माइक्रोग्राम। अब आते हैं विटामिन ए। विटामिन ए में रेटिनॉल 0 से 6 मंथ की बेबी को फीड कराने वाले का 950 होता है, और 6 से 12 मंथ को भी 950 होता है, तो दोनों सेम होते हैं। बीटा कैरोटीनॉइड भी दोनों का सेम ही होता है, 7600 बीटा कैरोटीनॉइड की रिक्वायरमेंट होती है। थायमिन अकॉर्डिंग टू वर्क ऐड कर देंगे 0.3 0 से 6 मंथ में, और 6 से 12 मंथ में प्लस हो जाएगा 0.4। राइबोफ्लेविन भी सेडेंट्री, मॉडरेट
और जो हैवी वर्कर है उनके अकॉर्डिंग प्लस हो जाएगा 0.2, और जो 6 मंथ से 12 मंथ वाले है उसमें हो जाएगा 0.3 ऐड। नेक्स्ट है नाइसिन। नाइसिन कितना ऐड होगा? 0 से 6 मंथ में +4 हो जाएगा और 6 से 12 मंथ में +3 हो जाएगा। पायरेडॉक्सिन, पायरेडॉक्सिन की रिक्वायरमेंट सेम होगी प्रेग्नेंट की भी, लैक्टेटिंग वुमेन की भी। तो कितनी होती है वो? 2.5 मिलीग्राम पर डे। विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी ट्वेल्व की रिक्वायरमेंट 1.5। प्रेग्नेंट लेडी की थोड़ी कम थी, 1.2 था, और लैक्टेटिंग वुमेन की 1.5। लेकिन 0 से 6 और 6 से 12 मंथ दोनों ही कंडीशन में सेम होगी, 1.5 माइक्रोग्राम पर डे। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड 80 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होगी 0 से 6 मंथ में भी और 6 से 12 मंथ में भी। तो याद करने में बहुत इजी हो जाएगा। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक और डाइट्री फोलेट, इन तीनों की रिक्वायरमेंट सेम होती है प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन की 0 से 6 मंथ में भी और 6 से 12 मंथ में भी। विटामिन ए में रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन, इनकी रिक्वायरमेंट भी सेम होती है। पायरिडोक्सिन, विटामिन बी ट्वेल्व और एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी सेम ही होता है। सिर्फ याद क्या करना है? एनर्जी, प्रोटीन, फैट और थायमिन, राइबोफ्लाविन और नाइसिन, ये सिर्फ 4 चीज़ें याद करनी है। अदरवाइज सारी रिक्वायरमेंट 0 से 6 मंथ और 6 से 12 मंथ में सेम ही होती है। नेक्स्ट है शिशुओं की दैनिक पोषक तत्वों की आवश्यकता। बॉडी वेट 0 से 6 मंथ के बेबी का बॉडी वेट 5.4 kg और 6 से 12 मंथ के बेबी का 8.4 kg होना चाहिए। एनर्जी की रिक्वायरमेंट 92 kcal पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होती है 0 से 6 मंथ के बेबी की, और 6 से 12 मंथ के बेबी की 80 kcal पर केजी। प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1.16 ग्राम पर किलो पर केजी, और 6 से 12 मंथ के बेबी की 1.69 ग्राम पर केजी के अकॉर्डिंग होती है। फैट 0 से 6 मंथ के बेबी को फैट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन 6 से 12 मंथ के बेबी को 19 ग्राम पर डे फैट की रिक्वायरमेंट होती है। कैल्शियम, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है 500 मिलीग्राम पर डे दोनों ही कंडीशन में, 0 से 6 मंथ के बेबी को भी और 6 से 12 मंथ के बेबी को भी। आयरन, आयरन की रिक्वायरमेंट 0 से 6 मंथ के बेबी को 46 माइक्रोग्राम पर केजी के अकॉर्डिंग होती है, और 6 से 12 मंथ के बेबी को 5 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होती है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की 30 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है 0 से 6 मंथ के बेबी को, और 6 से 12 मंथ में थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, 45 हो जाती है। जिंक, जिंक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डाइट्री फोलेट 25 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन ए रेटिनॉल 35, और दोनों ही कंडीशन में 0 से 6 मंथ के बेबी को भी और 6 से 12 मंथ के बेबी को भी। लेकिन बीटा कैरोटीनॉइड 0 से 6 मंथ के बेबी को रिक्वायर्ड नहीं होता, और 6 से 12 मंथ के बेबी में 2800 ग्राम माइक्रो IU के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होती है। थायमिन, थायमिन की रिक्वायरमेंट 0.2 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है, और 6 से 12 मंथ के बेबी को 0.3। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन 0.3 0 से 6 मंथ के बेबी को, और 6 से 12 मंथ के बेबी को 0.4। इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, थायमिन की रिक्वायरमेंट जो है 0 से 6 मंथ के बेबी को 0.2 है, और 6 से 12 मंथ का जो बेबी है उसे 0.3 है। नेक्स्ट आया राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन 0.3, और इसमें जो होता है 6 मंथ के बेबी को 0.4। तो कैसे इंक्रीज हुआ? थायमिन 0.2, 6 मंथ के बेबी को 0.3। फिर आया राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन की रिक्वायरमेंट हुई 0.3, और नेक्स्ट क्या हो गया? 0.4। तो ये सीक्वेंस में इसे इस टाइप से याद कर सकते हैं। नियासिन, नाइसिन 710 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होती है, और 6 मंथ के बेबी को 650 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होती है। पायरिडॉक्सिन 0.1
मिलीग्राम पर डे के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होती है, और 6 से 12 मंथ के बेबी को 0.4। विटामिन B12 0.25 रिक्वायरमेंट होती है 0 से 6 मंथ के बेबी को, और 0.2 वो होती है 6 से 12 मंथ के बेबी को। एस्कॉर्बिक एसिड 25 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है दोनों ही कंडीशन में, 0 से 6 मंथ के बेबी को भी और 6 से 12 मंथ के बेबी को भी। बच्चों की दैनिक पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा, सबसे पहले एज ग्रुप देख लेते हैं। 1 से 3 ईयर, 4 से 6 ईयर, 7 से 9 ईयर। बॉडी वेट 1 से 3 ईयर के बेबी का 12.9 kg, 4 से 6 ईयर का 18 kg और 7 से 9 ईयर का 25.1 kg होना चाहिए। एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती जाएगी। 1060 किलो कैलोरी 1 से 3 ईयर के बेबी को रिक्वायर्ड होता है, 4 से 6 ईयर के बेबी के लिए 1350 और 7 से 9 ईयर के बेबी के लिए 1619 किलो कैलोरी पर डे रिक्वायर्ड होता है। प्रोटीन 16.7 1 से 3 ईयर, 4 से 6 को 20.1 और 7 से 9 29.4 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। फैट फैट की रिक्वायरमेंट 1 से 3 ईयर के बेबी को 27 ग्राम पर डे और 4 से 6 ईयर के बेबी को 25 और 7 से 9 ईयर के बेबी को 30 ग्राम पर डे रिक्वायर्ड होता है। कैल्शियम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट तीनों एज ग्रुप में सेम होती है, 1 से 3 ईयर में भी, 4 से 6 में भी और 7 से 9 ईयर में भी। तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 600 मिलीग्राम पर डे। आयरन आयरन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती जाएगी, 1 से 3 ईयर में 9, 4 से 6 ईयर में 13 और 7 से 9 ईयर में 16 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड होता है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होती जाएगी, मैग्नीशियम 1 से 3 में 50, 4 से 6 में 70 और 7 से 9 में 100 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड होता है। जिंक जिंक की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होती है, 5 मिलीग्राम पर डे 1 से 3 ईयर, 4 से 6 ईयर में 7 मिलीग्राम और 7 से 9 ईयर में 8 मिलीग्राम रिक्वायर्ड होता है। डाइट्री फोलेट की रिक्वायरमेंट 1 से 3 ईयर में 80 माइक्रोग्राम, 4 से 6 ईयर में 100 और 7 से 9 ईयर में 120 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायर्ड होता है। विटामिन ए में रेटिनोल 40 40 40, तीनों एज ग्रुप सेम है तो याद करना बहुत इजी है, 40 IU। बीटा कैरोटीन 3200, तीनों एज ग्रुप में सेम है, 1 से 3 ईयर में भी, 4 से 6 में भी और 7 से 9 में भी। तो इजी है विटामिन ए को याद करना। रेटिनोल की रिक्वायरमेंट 40 और बीटा कैरोटीन की रिक्वायरमेंट 3200। थायमिन की रिक्वायरमेंट 0.5 होती है 1 से 3 ईयर में, 4 से 6 ईयर में 0.7 और 7 से 9 में 0.8, इसलिए इसे याद करना भी बहुत ईजी है। एक टाइप से और याद कर सकते हैं, जिंक की रिक्वायरमेंट कितनी थी, जिंक की रिक्वायरमेंट 5 7 8 और थायमिन की रिक्वायरमेंट कितनी है, 0.5 0.7 0.8, इसे भी याद करना बहुत ईजी है। दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं, बस इसमें क्या है, इसमें पॉइंट्स में है और इसमें नंबरिंग में है। तो क्या करेंगे, जिंक 5 है 1 से 3 ईयर में, 4 से 6 में 7 है और 7 से 9 में 8 है, और इसमें क्या है, थायमिन 0.5 0.7 0.8, तो इसे भी याद करना बहुत इजी है। राइबोफ्लेविन राइबोफ्लेविन की रिक्वायरमेंट होती है 1 से 3 ईयर के बेबी को 0.6, 4 से 6 को 0.8 और 7 से 9 को 1 मिलीग्राम पर डे। नाइसिन नाइसिन की रिक्वायरमेंट 8 11 13, 1 से 3 ईयर में 8 और 4 से 6 ईयर में 11 और 7 से 9 ईयर में 13 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड होता है। अब देखते हैं पाइरिडोक्सिन पाइरिडोक्सिन की रिक्वायरमेंट 1 से 3 ईयर और 4 से 6 ईयर में सेम होती है 0.9 और 7 से 9 ईयर में इंक्रीज हो जाती है 1.6 हो जाती है। विटामिन बी ट्वेल्व की रिक्वायरमेंट तीनों एज ग्रुप में सेम होती है 0.2 से 1 माइक्रोग्राम पर डे। एस्कॉर्बिक एसिड की रिक्वायरमेंट भी सेम होती है तीनों एज ग्रुप में, 40 मिलीग्राम पर डे।
नेक्स्ट है लड़कों की दैनिक पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा। एज ग्रुप 10 से 12 ईयर, 13 से 15 ईयर, 16 से 17 ईयर। बॉडी वेट 34.3 केजी 10 से 12 ईयर में, 13 से 15 ईयर में 47.6 केजी और 16 से 17 ईयर में 55.4 केजी रिक्वायर्ड होना चाहिए। एनर्जी एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती जाएगी 10 से 12 ईयर में 2190 किलो कैलोरी, 13 से 15 एज ग्रुप में 2750 किलो कैलोरी और 16 से 70 ईयर में 3020 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 10 से 12 ईयर में 39.9, 13 से 15 ईयर में 54.3 और 16 से 17 ईयर में 61.5। फैट की रिक्वायरमेंट 10 से 12 में 35, 13 से 15 में 45 और 16 से 17 में 50 ग्राम पर डे के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होती है। कैल्शियम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट तीनों इस ग्रुप में सेम होती है 800 मिलीग्राम पर डे। आयरन की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, आयरन 10 से 12 ईयर में 21, 13 से 15 ईयर में 32 और 16 से 17 ईयर में 28 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड होता है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होती जाती है 10 से 12 ईयर में 120, 13 से 15 ईयर में 165 और 16 से 17 ईयर में 195 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड होता है। जिंक की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होती जाएगी 10 से 12 में 9 मिलीग्राम, 13 से 15 में 11 मिलीग्राम और 16 से 17 ईयर में 12 मिलीग्राम। डायट्री फोलेट 10 से 12 ईयर में 140, 13 से 15 में 150 और 16 से 17 में 200 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायर्ड होता है। विटामिन ए में रेटिनॉल और बीटा कैरोटीनॉइड की रिक्वायरमेंट सेम होती है तीनों ग्रुप में 600, तीनों इस ग्रुप में 600 रेटिनॉल की होती है और बीटा कैरोटीन की 4800 होती है। थायमिन थायमिन की रिक्वायरमेंट 10 से 12 में 1.1, 13 से 15 में 1.4 और 16 से 17 में 1.5। राइबोफ्लेविन राइबोफ्लेविन की रिक्वायरमेंट 1.3, 1 से 3 10 से 12 ईयर में, 13 से 15 ईयर में 1.6 और 16 से 17 ईयर में 1.8। अब देख लेते हैं नाइसिन की रिक्वायरमेंट नाइसिन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है 15, 10 से 12 ईयर में, 13 से 15 ईयर में 16 होती है और 16 से 17 ईयर में 17 होती है। पाइरिडॉक्सिन पाइरिडॉक्सिन की रिक्वायरमेंट 1.6, 10 से 12 ईयर में, 13 से 15 ईयर में 2 और 16 से 17 ईयर में भी 2। तो इजी हो जाएगा 15 से 17 तक की एज ग्रुप के बच्चों को पाइरिडॉक्सिन की जो रिक्वायरमेंट है वो 2 मिलीग्राम पर डे है। विटामिन बी 12 की रिक्वायरमेंट तीनों इस ग्रुप में सेम होती है 0.2 से 1 माइक्रोग्राम पर डे और एस्कॉर्बिक एसिड भी सेम ही होता है 40 मिलीग्राम पर डे। अब लास्ट क्या है हमारा लड़कियों की दैनिक पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा। एज ग्रुप सेम ही है 10 से 12 ईयर की गर्ल्स, 13 से 15 ईयर की गर्ल्स और 16 से 17 ईयर की गर्ल्स। बॉडी वेट देख लेते हैं 10 से 12 में 35 केजी, 13 से 15 में 46.6 केजी और 16 से 17 ईयर में 52.1 केजी। एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी होती है 2010 से 12 ईयर में, 13 से 15 में 2330 किलो कैलोरी और 16 से 17 ईयर में 2440 किलो कैलोरी पर डे रिक्वायर होता है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 40.4 10 से 12 ईयर में, 13 से 15 ईयर में 51.9 और 16 से 17 ईयर में 55.5 ग्राम पर डे रिक्वायर्ड होता है। फैट 35 10 से 12 ईयर में और 13 से 15 ईयर में 40 और 16 से 17 ईयर में 35 रिक्वायर्ड होता है। तो फैट की रिक्वायरमेंट 10 से 12 और 16 से 17 ईयर में सेम होती है 35 ग्राम पर डे। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट सेम होती है 800 मिलीग्राम पर डे। आयरन आयरन की रिक्वायरमेंट 10 से 12 और 13 से 15 की एज ग्रुप में सेम होती है 27 मिलीग्राम
और 16 से 17 ईयर में 26 मिलीग्राम होती है। मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट 10 से 12 ईयर में 160 होती है, 13 से 15 ईयर में 210 हो जाती है और 16 से 17 ईयर में 235 हो जाती है। जिंक की रिक्वायरमेंट सेम होती है दोनों इस ग्रुप में, बॉयज में भी और गर्ल्स में भी सेम, 10 से 17 ईयर्स तक। लाइक बॉयज की 10 से 12 में 9 थी तो गर्ल्स की भी सेम होगी 9, 13 से 15 ईयर में बॉयज की 11 थी तो गर्ल्स की भी जिंक की रिक्वायरमेंट सेम ही है 11, और 16 से 17 में 12 थी बॉयज की तो गर्ल्स की भी 16 से 17 में 12 ही है मिलीग्राम पर डे। डाइट्री फोलेट की रिक्वायरमेंट सेम है तीनों इस ग्रुप की, और बॉयज की और गर्ल्स की भी सेम है, तो इसे याद रखना बहुत ईजी है। जिंक की भी जितना बॉयज का था उतना ही गर्ल्स का है, और डाइट्री फोलेट भी जितना गर्ल्स का था बॉयज का था उतना ही गर्ल्स की रिक्वायरमेंट होती है। बॉयज और गर्ल्स की 10 से 17 ईयर्स तक विटामिन ए की रिक्वायरमेंट भी सेम ही होती है 600, और रेटिनॉल 600 और बीटा कैरोटीन 4800। अब आता है थायमिन। थायमिन की रिक्वायरमेंट 10 से 12 ईयर में 1 मिलीग्राम पर डे, 13 से 15 ईयर में 1.2 और 16 से 17 ईयर में 1। तो 10 से 12 और 16 से 17 में सेम होती है 1 और 13 से 15 में 1.2। अब आते हैं राइबोफ्लेविन पे। राइबोफ्लेविन की रिक्वायरमेंट भी सेम ही होती है 10 से 12 की और 16 से 17 ईयर में। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन 10 से 12 ईयर में 1.2 है और 16 से 17 ईयर में भी 1.2 है, तो इसे भी याद रखना बहुत ईजी है। 10 से 12 और 16 से 17 दोनों इस ग्रुप में कितना है 1.2 मिलीग्राम पर डे, और जो 13 से 15 ईयर का इस ग्रुप है उसमें 1.4 मिलीग्राम पर डे है। नाइसिन की रिक्वायरमेंट 10 से 12 में 13 है और 13 से 16 ईयर तक 14 मिलीग्राम पर डे। पाइरिडॉक्सिन की रिक्वायरमेंट 1.6 है 10 से 12 ईयर में और 13 से 17 ईयर्स तक कितनी है 2 मिलीग्राम पर डे। विटामिन बी ट्वेल्व की रिक्वायरमेंट सेम है बॉयज और गर्ल्स की दोनों की, तो कितनी है 0.2 से 1 मिलीग्राम तीनों एज ग्रुप में 10 से 17 ईयर तक सेम है बॉयज और गर्ल्स की विटामिन बी ट्वेल्व की रिक्वायरमेंट। और एस्कॉर्बिक एसिड की भी सेम ही है 40 मिलीग्राम पर डे बॉयज और गर्ल्स की। तो कुछ चीजें याद करना बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि रिक्वायरमेंट सेम होती है बॉयज की और गर्ल्स की। लाइक एस्कॉर्बिक एसिड की हो गई, विटामिन बी ट्वेल्व की हो गई, फॉलेट की हो गई, डाइट्री फॉलेट की और जिंक की। तो कुछ चीजें याद करना बहुत ईजी हो जाएगा इस टाइप से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट।